वीएससीसी 24 News, सच के आगे कोई नहीं। बलरामपुर सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल करने को लेकर बलरामपुर फर्स्ट टीम ने यहां पर केंद्रीय राज्य पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं विदेश मंत्रालय कीर्ति वर्धन सिंह को एक ज्ञापन सौंपा है। भारत और नेपाल सीमा पर स्थित दुनिया के सबसे खूबसूरत जंगलों में से एक सोहेलवा जंगल को संरक्षित करने और संबंधित के लिए यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू किए जाने पर बल लगातार दिया जा रहा है। सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य रॉयल बंगाल टाइगर का नेचुरल हैबिटेट है, जिसे संरक्षित करने पर टाइगर को भी संरक्षित किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से बलरामपुर फर्स्ट की ओर से सर्वेश सिंह ने यहाँ पर सोहेलवा जंगल में प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू करने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बाढ़ एक नेचुरल एक फिनोमेना है जो आती है, जब अधिक बरसात हो जाती तो आती है। अब अधिक बरसात और जो बेमौसम की बरसात हो रही है, इसके लिए जो पॉलिसी की अगर आप बात करें तो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो पर्यावरण में बदलाव आ रहा है, उसके जो दुष्प्रभाव हैं उसको लेकर हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ठोस कदम ले रही है। और ये इसको सही करने में टाइम लगे, इसके जो हम लोग के टारगेट हैं 2070 तक है, और तब तक हम लोग अपना इमिशन जीरो करने की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने 2030 तक के जो टारगेट थे उसको हम लोगों ने पहले ही अचीव कर लिया है। जहाँ तक आपके इमिशन कंट्रोल करने की बात है या जो हम लोग दूसरे वैकल्पिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं वो बात है, ये जो क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव हम लोग देख रहा हो केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में। आप देखिए कुछ एक आध महीने पहले यूरोप में बहुत भयंकर तरह से बाढ़ आई, सैकड़ों लोग वहाँ मर गए जो कि विकसित देश है। आपके इंडोनेशिया में बहुत भयंकर बाढ़ आई कुछ हफ्तों पहले, वहाँ बड़ी तबाही हुई। तो ये जो मौसम में बदलाव आ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, ये सब उसकी वजह से पूरे दुनिया में इसका अब बहुत गहरे तरीके से सोच हो रही, इस पर बात हो रही है। अभी मुझे बायोडाइवर्सिटी भी इसका एक मुख्य अंग है, इसको लेकर अभी मुझे कोलंबिया जाना है, वहाँ 4 दिन की मीटिंगें हैं। आपका ये अजरबैजान में बाकू में नवंबर 9 से ये कॉप की बैठक होने वाली है, ये सारी चीज़ें उसको लेकर है। इसको हम लोगों को अपने अपने ढंग से भी इसको देखना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया एक पेड़ माँ के नाम, ये सब उसी उद्देश्य को लेकर है कि पेड़ भी हमारे पर्यावरण के संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं, इसको हमें लंबे तौर पे इसको देखने का, लंबे तौर का इसका हम लोग को उपाय करना है और हमारे देश में इसके लिए उपाय हो भी रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पॉलिसी की बात है, देखिए इसकी पॉलिसी और कुछ नहीं बन सकती है, ये हम लोग को अपने व्यक्तिगत तौर तरीके पे भी जो मिशन लाइफ है प्रधानमंत्री जी का कि हम लोग वेस्ट ना करें, हर चीज़ का एक सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ उसी पर उसी उद्देश्य को लेकर केंद्रित।